बॉर्डर के इस पार लोग दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको सुरक्षा बल दिखाई दे रहे होंगे। फिर आप तस्वीरों में देखेंगे कि बॉर्डर इस पार जो लोग खड़े हैं वो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं और उधर सुरक्षा बल हाथों में बंदूक थामे उस व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्हें कोई सख्त कदम ना उठाना पड़ जाए। लेकिन जो बॉर्डर के उस पार लोग हैं वो दरअसल घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवैध अप्रवासी हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते हैं, लेकिन टेक्सास के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को गवर्नर ने तैनात किया है और उनका कहना है कि वो इस तरह से गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ग्रेग एबॉट का कहना है कि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए बॉर्डर की बाड़े तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे काटा जा रहा है, सुरक्षा बलों पर पत्थर मारा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के और ये अमेरिका पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, पूरी दुनिया को ये बताता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि अमेरिका में कानून व्यवस्था के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में अमेरिका को कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका की उस नीति का विरोध कर रहा है जहां अवैध अप्रवासियों को बॉर्डर से अमेरिका के अंदर घुसने दिया जा रहा है, लेकिन टेक्सास इसका विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि इससे स्थिति बेकाबू हो सकती है और इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के लोगों का हक का हनन हो सकता है और जो टेक्सास के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी बुरी तरह से बिगड़ सकते हैं। इसे लेकर बाइडन से टेक्सास के गवर्नर भिड़े हुए हैं, उन्होंने बाइडन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि एल पैसो में आज की वृद्धि उस अस्थिर अराजकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो राष्ट्रपति बाइडन ने सीमा पर फैलाई है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर के बाड़े काटकर लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को वहां निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें बताती हैं क्यों सख्ती से कानून का लागू होना जरूरी है और सुरक्षा बलों के साथ साथ सरकार के पास भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।